हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो, आपको प्रश्नावली हम पढ़ा रहे थे 3.1। अब 3.1 के बाद आती है आपकी 3.2। तो 3.2 प्रश्नावली पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी, ठीक। पहले वो महत्वपूर्ण बातें जानेंगे और उसके बाद 3.2 प्रश्नावली पढ़ेंगे। तो इसके आगे आपका टॉपिक आता है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी या आलेखी इससे हल। तो जब आप आलेख बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, तो कितनी स्थितियां संभव होंगी? तीन स्थितियां संभव हो सकती है। वो देखिए, यहां पर लिखते हैं, यदि एक रैखिक समीकरण वही दो चर में a1x + b1y + c1 = 0 तथा दूसरी रैखिक समीकरण ये ध्यान रखना दो चर में है a2x + b2y + c2 = 0, जहां ये कंडीशन है कि a1, a2, b1, b2, c1 व c2 ये वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है, संग्रह को कहते हैं क्या हम वास्तविक संख्याएं, ठीक। अब यहां पर और थोड़ा लिखेंगे, और क्या हो सकता है कि और a1 ≠ 0, a2 ≠ 0, b1 ≠ 0 और b2 ≠ 0, ये जीरो ना हो, क्योंकि ये जीरो हो गया तो दो चर में रैखिक समीकरण नहीं रहेगी। भाई जीरो तो एक चर का है, फिर एक चर में रैखिक समीकरण रह जाएगी। ये जीरो तो एक चर में, अगर ये जीरो नहीं तो एक चर में समीकरण रह जाएगी, इसीलिए यहाँ पर ये जीरो ना हो, इसीलिए कंडीशन लिखी हुई है, ठीक। तो जब इनका हल करेंगे और ग्राफ बनाएंगे तो तीन स्थितियां संभव है, ठीक। यहां पर लिखोगे, यहां पर तीन स्थितियां संभव है, यहां पर तीन स्थितियां संभव हो सकती है। पर तीन स्थितियों में कोई एक स्थिति आ सकती है, ठीक। तो यहां पर तीन स्थितियां संभव हो सकती है और यही महत्वपूर्ण बिंदु आपको पढ़ने भी है, उसके बाद आपकी अगली प्रश्नावली शुरू होगी, ठीक। तो प्रथम स्थिति यह है कि स्थिति फर्स्ट में क्या होगा, यदि आपका ऐसा होगा कि a1 upon a2 = b1 upon b2, यदि a1 upon a2 = b1 upon b2 हो तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ऐसी कंडीशन होगी। जैसे x और ये y, एक रेखा आपकी है, दूसरी रेखा ये है, तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी, इसीलिए इसके साइड में फिगर बना दो, ठीक। यदि a1 upon a2 = b1 upon b2 हो तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। और अब होगा क्या, जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इनका केवल जो रैखिक समीकरण युग्म है इसका केवल और केवल एक ही हल होगा, उसे बोलते हैं यूनिक, मतलब अद्वितीय, मतलब उसके सिवा दुनिया में और कोई नहीं, ठीक। ऐसे ही यदि a1 upon a2 = b1 upon b2 हो तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल और ब्रैकेट में सकते हो ब्लैक पेन से लिख देना या अंडरलाइन करके लिखना, अद्वितीय हल और रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। अब ये सिस्टम कैसा होगा? तो रैखिक समीकरण युग्म जो है वो कैसा होगा? अद्वितीय।
ठीक है। और यहां पर लिख सकते हो तथा निकाय, ध्यान रखना कि रैखिक समीकरण युग्म का कैसा हल हुआ, अद्वितीय हल, और निकाय मतलब ये सिस्टम हो गया, ठीक है। निकाय या रैखिक समीकरण युग्म पाते की चीज है, कैसा होगा, संगत होगा, और निकाय संगत होगा, ठीक। पूछा जाता है कभी कभी कि निकाय या रैखिक समीकरण का जो हल है वो संगत है कि असंगत है। संगत मतलब कि इसका कोई ना कोई हल निकल आ रहा तो कहलाता संगत, और जब दोनों रेखाएं दूसरे को काटेगी नहीं कहीं भी तो क्या होगी, उनका कोई हल नहीं निकलेगा तो कहलाता असंगत, मतलब विरोधी, जिसका कोई हल ना निकले। तो आपको सुना कि नहीं, पहली बात a1 / a2 बराबर नहीं b1 / b2 हो तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती और रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल अर्थात अद्वितीय हल होगा और निकाय कैसा होगा, संगत होगा, ठीक। सेकंड, और आपकी स्थिति सेकंड है कि यदि a1 / a2 बराबर हो रहा है b1 / b2 बराबर नहीं c1 / c2 हो तो भाई यदि a1 / a2 बराबर नहीं b1 / b2 सॉरी बराबर और ये बराबर नहीं c1 / c2 प्रथम स्थिति में क्या था a1 / a2 बराबर नहीं b1 / b2 ठीक है। ये आ गया आपका यदि a1 / a2 बराबर b1 / b2 बराबर नहीं c1 / c2 हो तो क्या होगा, तो रैखिक समीकरण युग्म, तो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं। क्यों कहीं कोई हल नहीं, क्योंकि जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा कि x अक्ष ये y है, आपकी एक रेखा ये जाएगी और दूसरी रेखा ये समांतर होंगी, और जब समांतर होंगी तो कभी मिलेगी तो है नहीं एक दूसरे को, तो इनका हल कोई होगा नहीं, और जब इनका कोई हल नहीं होगा तो निकाय कैसा होगा, असंगत होगा या विरोधी होगा, ठीक। तो यहां पर यदि a1 / a2 बराबर b1 / b2 बराबर नहीं c1 / c2 हो तो रेखा थोड़ा और बढ़ा दो चाहे, या ऐसे ले सकते हो कि तो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा और रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक। चाहो तो ये बात पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी या समांतर होंगी, पैरेलल लाइनें होंगी, ठीक, समांतर होंगी। भाई जब समांतर होंगी तभी तो एक दूसरे को नहीं काटेंगी और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी नहीं, तो इस युग्म का कोई हल नहीं होगा। तथा निकाय कैसा होगा, असंगत अर्थात विरोधी होगा। निकाय मतलब सिस्टम, यही युग्म जिस पर आप वर्क कर रहे हो, तो निकाय कैसा होगा, असंगत। निकाय असंगत या लिख सकते हो विरोधी होगा, भाई इसका कोई हल नहीं हो रहा। अगली आपकी थर्ड स्थिति, थर्ड स्थिति में आएगा कि यदि a1 / a2 बराबर b1 / b2 और ये भी बराबर हो जाए, भाई पहली स्थिति क्या थी, a1 / a2 बराबर नहीं b1 / b2 c1 / c2 से मतलब नहीं, तो कंडीशन हो गई। दूसरी क्या है, a1 / a2 अभी बराबर हो गया, अगला ये बराबर नहीं है। अब अगले क्या है कि a1 / a2 बराबर b1 / b2 बराबर c1 / c2 हो तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती, संपाती मतलब एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं होंगी, ठीक, एक रेखा ये है और दूसरी बनाओगे वो भी इसी पर आएगी, ठीक। इसको बोलते हैं संपाती, अर्थात दोनों रेखाएं समझ लो एक ही पर लेटी है, मानकर चलो ये। तो यदि a1 / a2 बराबर b1 / b2 बराबर c1 / c2 हो तो रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी, और इस स्थिति में क्या होगा, और रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म के
अपरिमित रूप से अरेखण होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल होंगे, यानी सकते हो अनंत हल होंगे। हो तो रेखाएं संपाति होंगी और रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे तथा निकाय संगत होगा। या और लिख सकते हो, और निकाय कैसा होगा? संगत। और निकाय कैसा होगा? संगत। चूंकि इसका हल है तो संगत होगा और निकाय संगत होगा। तो कभी कभी आपकी दो समीकरण दी होंगी, पूछेगा निकाय संगत है कि नहीं असंगत है, तो जब कोई ना कोई हल निकले, ले चाहे अनेक हल हो चाहे एक हल हो, तो निकाय संगत होगा। और जब एक दूसरे को काटेंगे नहीं, प्रतिच्छेद करेंगे नहीं, तो इनका कोई हल आएगा नहीं, तो निकाय आपका असंगत होगा अर्थात विरोधी होगा। भाई इसका कोई हल निकले ना तो कहलाएगा विरोधी, अर्थात निकाय हो गया असंगत। तो आपकी तीनों स्थिति आपको तैयार करके बैठना है, और आपको अगले वीडियो में फिर इसके आगे प्रश्नावली आपको स्टार्ट करेंगे, ठीक है।